अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आप लिखें, ये टेक्निकल टर्म्स जो हैं टैरो में उनको आप लिखिए। टेक्निकल टर्म्स क्या हैं? स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता है? कार्ड को लगाना, ऐसे स्प्रेड करना। अलग अलग प्रकार के स्प्रेड्स होते हैं, जैसे कि थ्री कार्ड स्प्रेड जो मैंने आपको बताया, फिर इसमें मल्टीपल चॉइस स्प्रेड होते हैं, ये भी हम सीखेंगे, आगे सीखेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे थ्री कार्ड स्प्रेड से। और एक कैटेगरी होती है हॉर्स शू स्प्रेड, सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये कैटेगरी है हॉर्स शू स्प्रेड। डिटेल में अगर स्टडी करना है तो इसका यूज किया जाता है। ठीक। पोजीशन ऑफ कार्ड, जब मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस कार्ड, तो आप मुझे बताएंगे कि पोजीशन ऑफ दिस कार्ड इज रिलेटेड विद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। या तो वो पास्ट से रिलेटेड होगा, या वो प्रेजेंट से रिलेटेड कार्ड होगा, या फ्यूचर से रिलेटेड कार्ड होगा। ये हो गई पोजीशन ऑफ कार्ड। जब हम बात करेंगे कि लेट्स गेट ट्यून इन, क्या कहेंगे? लेट्स गेट ट्यून इन। ट्यून इन मतलब हमें अपने आप को उस स्पिरिचुअल एंजल से, उस स्पिरिट से, उन ईष्ट देवता से ट्यून इन करना है, यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी को आंख बंद करके हाँ स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पर लेके जाना है, अपनी ब्रेन वेव्स को चेंज करना है, तो उसको कहते हैं ट्यून इन होना। ठीक। कभी कभी ऐसा होगा कि आप कोई कार्ड पुल करेंगे और एकदम एक थॉट आएगा उस कार्ड को देखे कट करके, वो जो इमीडिएट थॉट है, लॉजिकल नहीं, वो खट वाला जो थॉट है उसे हम कहते हैं हिट। उसे क्या कहते हैं? हिट, हिट आना। कहते हैं ना, मेरे समथिंग हिट्स टू माय माइंड, जो खट करके आता है वो हिट होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं चैनलिंग। चैनलिंग क्या होता है? जब आपको जवाब नहीं मिल रहा होता है तो नॉन फिजिकल आइडेंटिटी से अपने आप को कनेक्ट करना, ईष्ट देवता से कनेक्ट करना, एंजल्स से कनेक्ट करना, इसको चैनलिंग बोलते हैं। क्लियर?